रोशनी क्या हुआ तुझे? ये बैंडेज? परेशान मत होइए, रास्ते में मेरा पैर स्लिप हो गया था, छोटी सी चोट लग गई। अरे इतनी बैंडेज लगाई है और कह रही छोटी चोट है? तेरे डैडी को पता चलेगा तो कितने परेशान होंगे। नहीं, डैडी को कुछ भी मत बताइए, उन्हें पता चला तो सारा काम छोड़कर यहाँ आ जाएंगे वो। लेट हिम फिनिश हिज वॉक, घर आ जाएंगे तो मैं खुद बता दूंगी। ओके ठीक है, चल चलकर खाना खा ले अब। मुझे मन नहीं है, मुझे भूख नहीं है, बस रेस्ट करना है। ठीक है रोशनी, मैं चलती हूँ, तू रेस्ट कर। थैंक यू। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, बाय। हाय स्मिता, खाना हो गया? हाँ। रोशनी ने खाया क्या? हाँ वो आराम कर रही है। मीटिंग अगर जल्दी खत्म होती तो हम साथ में ही खाते। सुनिए रोशनी के सिर पर थोड़ी चोट लगी है। क्या? आप टेंशन मत लीजिए, इसीलिए कह रही थी कि आपको इस बारे में ना बताए, वो फिलहाल ठीक है। रोश सुनिए, She's fine, मत उठाइए उसे। Nothing to worry. बस छोटी सी चोट है। उसे थोड़ी सी चोट लगती है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और ऐसे में I'm sorry. I know how much you love her. तुम्हें पता है स्मिता, रोशनी छोटी थी तब से उसे माँ का प्यार कभी नहीं मिला। उसे माँ की कमी महसूस ना हो इसलिए मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला। वो क्रेडिट आपको ही जाता है। एक समय मेरे साथ सिर्फ गरीबी और अकेलापन ही था। उसके पैदा होने के समय मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो आसमान छू रहा है। गरीबी भी दूर करने के लिए भगवान ने पैसा दिया, अकेलापन दूर करने के लिए उसने तुम्हें भेज दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे, वेरी हैप्पी। आपकी खुशी में ही तो हम सबकी खुशी है ना। मेरी खुश नसीबी कि मैं इस घर की बहू बनी हूं। तुमसे शादी करने के बाद रोशनी मुझसे नाराज ना हो जाए सोचकर थोड़ा सा डर था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। तुमने रोशनी में अपनापन दिखाया, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। हेलो रोशनी। हाय वानी, कल जिन्होंने हमारी हेल्प की थी ना, उन्हें तो ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाई मैं, तो बहुत अजीब महसूस हो रहा है। उनसे मिलकर थैंक्स कहना चाहती हूँ। ठीक है, पर मिलेंगे कहाँ? तू ही बता ना। जिम में मिलना ठीक नहीं होगा। ठीक है, उसका नंबर दे देती हूँ, तू बात कर ले। ठीक है यार, थैंक यू, लव यू, बाय। स्ट्रेट करिए। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे स्ट्रेट। हाँ यस, स्मूथली, वेरी गुड। एक मिनट मैम। अजय या कल इवनिंग में फ्री हो क्या? या क्या बात है बताइए। कल सलमान की फिल्म रिलीज हो रही है ना, चलें क्या? एक्चुअली मैम मुझे सलमान की फिल्में पसंद नहीं है, और सुंदर की बहन को देखने के लिए लड़के वाले भी आ रहे हैं, सो आई डोंट थिंक सो आई कैन मेक इट, सॉरी। हैव अ ग्रेट डे। आजा।
मेरी एक बहन भी है, ये मुझे भी नहीं पता यार। यार बहुत सर खाती है, इसीलिए उसे अवॉइड करने के लिए ऐसा कहा। बहुत सही क्या यार। सर हम अनाथ आश्रम से आए हैं, हमारी मदद कीजिए सर। बेटा वो आश्रम नहीं है, वो एक बहुत बड़ा स्कूल है। स्कूल है? अच्छा स्कूल में हम क्या पढ़ते हैं? पाठ है ना बेटा, उसी तरह आश्रम में जीवन का पाठ हम पढ़ते हैं। तो चलो बताओ बेटा कहाँ से आए हो तुम लोग? स्कूल से। करेक्ट। अच्छा आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? सर हमारे स्कूल में कुल 50 लोग हैं सर। कभी कभी हमें चंदे के पैसे कम पड़ जाते हैं, तब हम पानी पीकर सो जाते हैं। अगर तू पगार के सारे पैसे ऐसे ही लुटा देगा तो अपना कैसे चलेगा? बहुत मुश्किल होगा, अभी पगार आने में 15 दिन बचे हैं, पता है? हे, उनकी परेशानी के आगे हमारी परेशानी कुछ भी नहीं है। हाँ? वो है ना? हाँ भाई, भगवान ऊपर से बरसाता रहेगा और तुम उठाते रहना। अरे तू अब तक सोई है? राजकुमारी जी की नींद सुख चैन सब उड़ गया है क्या? कौन सा राजकुमार ऐसे सता रहा है तुझे? तो सही कह रही है। हाँ, वैसे तुझे मेरी प्रॉब्लम हमेशा पता चल जाती है। वाओ, मतलब रोशनी को प्यार हो गया है? कौन है वो? अजय है ना? नहीं कहूंगी तो मानोगी क्या? मैं समझ गई, उस दिन उसने तुझे ब्लड दिया था और तूने उसे हार दे दिया। अच्छा, वैसे ये बात अजय को पता है? अगर तेरी डैडी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम दोनों का स्टेटस बहुत अलग है। स्टेटस वगैरह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मुझे खून देते समय अजय ने मेरा स्टेटस देखा क्या? नहीं देखा ना? पता है मुझे, ये सब तूने सोच समझ कर ही डिसाइड किया होगा, लेकिन तूने अजय को अब तक बताया क्यों नहीं? क्या बताऊं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भी मैं ही बताऊं क्या? जाकर प्रपोज कर उसे। आज ही क्या? हाँ अभी जा।